अबे तेरी तो सुख ना है चाण बत्ती चमण बत्ती चाय की बत्ती। ये मेरी को एक बात बता, किडने पर कौन है? तुम्ही। मैं है ना, तो तू काय को मेरे पीछे भाग रही ली? हाँ ठीक है, मैं तुम्ही माझ्या मागे धावा। चल चल रुके, ये अपुन को जानती नहीं है, एकदम डेंजर टाइप का आदमी है अपुन। बंडू जॉन्डिस नाम है अपना। क्या जॉन्डिस है? जॉन्डिस। मैं हॉस्पिटल मध्ये जाना। चल। अरे यार तू सिचुएशन को समझने की कोशिश करना यार। अरे कैसा रहता है किडनैपर को डरने का रिवाज है? अरे किडनैपर? फिर तेरे को झूठ लगता है, तेरे बाप को अभी फोन करता है। हाँ, करा, करा। ए गुप्ते, ये 50 लाख रुपया रखने का तैयार क्या? ए डोली डार्लिंग, तू गुप्ते के घर पे क्या कर रही है? ए तेरे को गुप्ते ने उठाया तो नहीं ना? ए गुप्ते को अभी छोड़ेगा नहीं, इसको मजा ही डालता मैं अभी। मैं अपने घर पे फोन किया क्या? गलती से अपने घर पे। ए मैं कितना भी फोन किया, तू काय को उठाई फोन? चल फोन रख, चल फोन उठाती है फालतू में। काका भाई को पढ़ा ली? हाँ देख, हेलो ए गुप्ते, ये देख मेरी बात गौर से सुन। है ये तेरा बाप बहुत कॉमेडी है क्या? काय झालं? मेरे को बोलता है गौर से नहीं, वो कान से सुनता है। ए गुप्ते ये देख 50 लाख रुपया लाने का क्या? 50 वापिस काट दिया फोन। तेरा बाप मेरे को सीरियसली क्यों नहीं लेता यार? ते सतत मीटिंग में असता तो मीटिंग तो जरूरी होता। अरे लेकिन लड़की किडनैप हुई लिए सुनने में कितना टाइम लगता है? तुमसे पण बरोबर है। फिर पण काका बोल, मी काय म्हणते एक जोक सांगा ना। हाँ जो एक बार क्या होता है? ए इतनी दूर तेरे को किडनैप करके काय को लाया जोक सुनाने को? क्या नहीं सुनाऊंगा? सांगा ना। नहीं सुनाऊंगा। गुच्ची मारू? आप ही सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है मालूम है? एक आदमी है ना, वो पर्दे की दुकान में जाता है। तो वो दुकानदार को क्या बोलता है कि एक भाई मेरे को 16 सेंटीमीटर का पर्दा चाहिए। 16 सेंटीमीटर का पर्दा? दुकानदार भी वही बोलता है, 16 सेंटीमीटर का पर्दा इतना सा काय को मांगता है? वो बोलता क्या बोलो, मेरे को कंप्यूटर पे पर्दा लगाने का। बोला कंप्यूटर पे पर्दा क्यों चाहिए? हाँ। तो वो बोलता है मेरे कंप्यूटर में विंडोज है। मैं इतनी टाइम ये जोक सुना है ना, सब लोग हंसते बोल, मेरे को आज तक पता नहीं चला क्यों हंसते बोल। हंसून हंसून पोट भर ले, भूख लगली है। भूख तोड़ वर कर नहीं, भूख भूख लगली, भूख कहीं तो आना खाएगा मला। अरे किधर से लाएंगे अपन खाने को? 3 दिन हो गए तेरे को पोकड़ का खिला रहे, सारा पैसा खत्म हो गया अपना, क्या करेगा आदमी बोलना? एक वड़ा पाव के लिए पैसा बचा था, वो भी तू मेरे हाथ से छीन कर खा ली। वड़ा पाव भैंस कहीं थी? भैंस करू ना खाली पीली, पेक्षा ना माझ्या ठिकाई तरी आना खाली पीली, खायला प्यायला नहीं लाएगा जा। अहो डॉक्टरांनी मला सांगितलं दर 10 मिनिटाला काहीतरी खात जा, नाहीतर ना तुला भुकेने हार्ट अटॅक येईल आणि मी मरीन। ए जा चल मर, जा चल। मी मरू? मर 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 जा चल। मी मेल्यावर तुम्हाला पैसे कसे मिळतील? अरे यार तुम्ही सोचचंही नाही यार, बहुत साल हो गए मैंने ना सोचना ही बंद कर दिया। अपनी लाइन में लगते ही मैंने जोड़ दिया इतनी बात है, लेकिन माझे कडे आता पैसे नहीं राहिले। मग तुम्ही लोनचं घ्यायला पण पैसे नहीं राहिले। लोन लोन पैसे पैसे, 1 लाख रुपयाचं लोन काढा ना। मैं लोन निकालू तेरे खाने के लिए? मैं लोन निकालू? और मेरे को देगा कौन लोन? लेकिन वो माझ्या पप्पांची कंपनी है ना, तिकडे का SMS वर है ना घरपोच लोन। क्या बात कर रही है? जा फोन फोन ये फोन। हाँ बघा असा SMS पाठवायचा, लोन झाला सेंड झाला सँक्शन। क्या आवाज करली? लोन हो गया सॉलिड है। हे बघा तुमच्या बँक अकाउंट मधून 5000 रुपये कट पण झाले। हे वो क्यों? व्याजाचा पहिला हप्ता। हे मेरे को लोन बिन कुछ नहीं चाहिए, चल कैंसल कर दे वो। चल आता ना कैंसल होणार? अरे SMS देख ना, इधर खोपोली तक गया होगा, यूटर्न मार के मंगा लेना। आता ना कैंसल होणार? हे या लुटेरा है तेरा बाप, आज तूने लूट लिया मेरे को 1 लाख रुपए में। काही काही करू नका, तुम्हाला लोन फेडता आला नाही ना, की माझ्या पप्पांच्या कंपनीतले माणसं येतात घरी आणि त्यांना वाटेल ती वस्तू घेऊन जातात अगदी तुमच्या बायकोसकडे।
धक्के थे तेरा बाप धक्के थे, अभी मैं उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ। अभी 1 करोड़ रुपया लेंगा मैं उससे। ए गुप्ते, ये डॉली डार्लिंग तू बार बार फोन क्यों उठाती है, फोन रख चल। बाइक को परत पड़ूंगी नहीं। ए गुप्ते सुन, इस टाइम है ना अपन तेरे से 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया लेंगे, समझा क्या? हाँ। सुने सो डेंजर आदमी अपन, बोध काट डालेगा तेरी झोकरी वो, समझा क्या? ले उसकी दर्दनाक आवाज सुन। सुना क्या आवाज? सुना उसका ही आवाज था, वापिस सुन। पापा बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा आवाज भी उसका ही था, बेड़ा नहीं बना रहे अपन, दोनों आवाज उसका था, समझा क्या? और सुन किधर लाएंगा पैसा? मीरा रोड स्टेशन के बाहर एक गैराज है, समझा क्या? वो किसी को पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, तेरे को भी पता नहीं चलेगा, उधर पे आ जाना बराबर। 1 करोड़ वापिस काट दिया, तेरा बाप मेरे को सीरियसली क्यों नहीं लेता यार? काका तुम ये काय केलं? क्या हो गया? तुम्ही त्यांना ऍड्रेस सांगितला, आता ते पोलिसांना सांगणार। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं यार, कितने सालों में सोचना ही बंद कर दिया। माँ अरे तुमचा नंबर पण गेला आणि तुमचा आवाज पण ऐकला त्यांनी। ठीक आहे ना, अभी फोन लगाता हूँ ना। हाँ लावा। हाँ हेलो डॉली डार्लिंग, जरा फोन रख, मेरे को दूसरा फोन करना। हाँ, हमेशा उधर ही तो जाता है फिर। हाँ, ये हेलो गुप्ते, ये आवाज सुने, ये वाह, ये देख अभी कैसा है मालूम है? तेरे को एड्रेस जो बता लेना अभी आया, वो गलत एड्रेस है, समझा क्या? उधर पुलिस वुलिस लाने का कुछ फायदा नहीं है। और ये देख ये जो आवाज तो अभी सुन रहे ना, ये अपुन की आवाज है ही नहीं, दूसरे का आवाज है। और ये जो मोबाइल नंबर तेरे नंबर पे आया है ना, वो मोबाइल का नंबर है ही नहीं, हाँ किसी का नंबर है वो, समझा क्या? 1 करोड़ किधर लाएंगा बोल? है अबे नहीं बे, अबे लो बात सुन मेरे, काट दिया फोन। काय झालं काका, काय बोल ले? वो बोल रहे लाए कि 1 करोड़ क्या एक फूटी कौड़ी नहीं देगा तू, लड़की रख ले बोलता है। मैं तेरे को कैसा पालेंगा? आता मला माहित नाही, तुमच्या बरोबरच राहणार। मर गया यार, आता मला झोप आली। जा झोप जा ना। असं कसं अंगाई गीत ऐकल्याशिवाय मी झोपतच नाही। अंगाई गीत हे क्या होता है? नाही का लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप गाग येत नाही, लिंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई। आता तुम्ही म्हणा हे मय गाणे का? हाँ। निंबोनीच्या झाडा खाली। हाँ। ऐसा लग रहा था मेरे को निम्बोनी हो गए। निंबोनीच्या झाडा खाली चंद्र झोप लाग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप काग नाही, बोलो तारारारा, बोला निंबोनीच्या झाडा खाली झोप काग नाही, बोलो तारारारा, हो निंबोनीच्या झाडा खाली झोप बाबा, हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा, निंबोनीच्या झाडा खाली झोप बाबा। गुप्ते अरे फोन नहीं काटना है, फोन नहीं काटने का भाई, बात तो सुन। अरे मैं पैसा नहीं मांग रहे भाई, एक काम करना यार, तेरे पैर पड़ता है, मैं ऊपर से तेरे को 1 लाख रुपया देता हूँ, तेरी झोकरी को लेके जा यार।